हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनल। सोनल रेसिपी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है मेथी के नमक पारे। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कसूरी मेथी, ये देखिए 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। एक बॉल मैंने यहाँ पर सूजी लिया है। यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है, नमक लिया है और ये लाल मिर्च ली है। तो आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, एक नए टेस्ट के साथ, वो भी मेथी का फ्लेवर देने वाले हैं। और इसको और एक चीज़ लगेगी, वो है ऑयल। मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में डाल के रखा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा गूंदने वाले हैं, तो पहले हम डालेंगे सूजी। सारा सूजी डाल देना है, उसके बाद हम डालेंगे उसमें नमक। स्वादानुसार आप नमक डालिए, मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और ये आधा चम्मच मिर्च डाली है मैंने, कसूरी मेथी में पूरे डाल दूंगी। और बचा है हमारा अजवाइन। अजवाइन को ऐसे हाथ पर लेना है और इसको हाथ पर ही ऐसा रगड़ना है ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से उतर आए। देखिए इस तरह से मैंने इसको इसमें डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। कढ़ाई में से ही मैं ले रही हूँ। ऑयल डालने से ये होता है कि ये थोड़े क्रिस्पी और थोड़े सॉफ्ट होते हैं, खाने में ज़्यादा कड़क नहीं लगते। पहले हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। जो हमने तेल का मोहन लिया था वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको, इसका आटा गूंदना है हमको। आप पतला वाला सूजी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का सूजी लिया है। ये देखिए थोड़ा पतला हो गया है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये पूरा पानी पी जाएगा सूजी, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी हम इसमें और पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गया है। इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे साइड में। 20 से 15 मिनट इसको ढककर ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छे से गूंद कर रेडी है। मैंने इसको हाथ से एक बार मसल लिया था, ये देखिए ऐसा बन गया है। अगर आपको लग रहा है सूजी ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डालकर बाइंडिंग के लिए इस तरह बना सकते हैं, लेकिन मेरा परफेक्ट बना है। अभी मैं इसकी एक लोई लूँगी और लोई को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सूखा गेहूं का आटा लिया है। आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और बेलन से बेल लेंगे। दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। अच्छे से इसको बेल लेना है। पतला पतला बेलेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, इतने थिकनेस का मैंने इधर बेल लिया है। अभी हम इसको चाकू से काट लेंगे। अभी हम इसको चाकू से काट लेंगे स्क्वायर शेप में। और इसको हम एक डिजाइन का लुक लेंगे देंगे ताकि बच्चे इसको हंस खेल के खाए। बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब हम कुछ डिज़ाइन वाला बनाते। तो
ये जो हमने बनाया है इसको हम जस्ट प्रेस करेंगे फोर्क से, हाथ से इसको एक डिज़ाइन का लुक देंगे और इसको गोल ऐसा रोल कर लेंगे बस। सारों को हमें ऐसे गोल करके एक प्लेट में निकाल लेना है। इसको एक डिज़ाइन आ जाता है। हमने सब नमक पारे तैयार कर लिए हैं। देखिए आप बड़े बड़े भी ऐसे बना सकते हैं, मैंने कुछ बड़े और छोटे बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड हम इसको भी डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए ऐसे बड़ी कढ़ाई ली ताकि जल्दी से ये डीप फ्राई हो सके एक साथ में ही। थोड़े थोड़े करोगे तो इसको देर लगेगी। थोड़ा थोड़ा हिलाना है, हल्का नीचे करना है। फ्रेंड्स मैंने इसको 4 से 5 मिनट ऑयल में फ्राई किया है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इसको एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। देखिए पहले आपको थोड़ा सिम गैस पर इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, बाद में इसको थोड़ा सा कलर आने के लिए हम फास्ट गैस करेंगे। इसको मैंने किचन टॉवल पे निकाल लिया है। देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारे नमक पारे बिल्कुल बनकर रेडी है। देखिए सूजी से कितने क्रिस्पी और अच्छे नमक पारे बने हैं। ये देखिए ये मैंने मिर्च के बनाए हैं और सेपरेट से मैंने बड़े साइज वाले जो है बिना मिर्च के मेरे बेटी के लिए बनाए हैं। आप चाहे जो चाहे बना सकते हैं, दोनों भी टेस्टी लगते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा तीखा खा नहीं पाते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बन गया है और अंदर से भी बहुत क्रिस्पी हो गया है। ये भी मैं एक आपको तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए ये भी बहुत क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।